हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रॉप टूल के बारे में जानेंगे। क्रॉप टूल किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए आप फाइल में जाइए, प्लेस पे जाइए और यहाँ से आप अपने इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ से आप डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो। तो मेरा डेस्कटॉप में एक इमेज है flower213.jpg। यहाँ पे मैं सिंपल से क्लिक करूँगा, इसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं। तो ये जो हमारी इमेज है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो साइज जो है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब नीचे डायलॉग बॉक्स में इसका जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज का साइज कितना इमेज का जो साइज है वो छोटा हो रहा है। यहाँ से आपको डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पे दिखा दे रहा है। यहाँ पे हाइट और विथ छोटा हो चुका है। अब इसके बाद हम क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। इसके लिए सिंपल सा क्रॉप टूल में जाइए और यहाँ से आप जितना भी पोर्शन इमेज का क्रॉप करना चाहते हैं आप ऐसे यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हो। तो बाय सपोज मुझे इतना सा चाहिए तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो मेरा जो इमेज का क्रॉप है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इसको क्रॉप करना है तो इसके लिए सिंपल सा आप नीचे ऐसे क्लिक करके अब ऐसे इसको ऊपर में ले जाइए तो ये क्रॉप हो चुका है। अब मान लीजिए कि हमारा जो है सर क्रॉप हो चुका है, वो हमको रिकवर करना है, मतलब क्रॉप नहीं करना था वो वाला, गलती से क्रॉप हो चुका है। तो सिंपल सा आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब जो क्रॉप डेटा है वो आप रिकवर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये पेज मेकर का एक स्पेशल फीचर्स है। तो आई होप आपको क्रॉप ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।